सलीना के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको, क्योंकि पदक तो अब पक्का है, पदक जो भी आए लेकिन भारत के लिहाज से आज का दिन बेहद रोमांचक, आपकी बेटी ने देश को गर्व से भर दिया है। जी 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 जी, थैंक यू। पहले मैं देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि देशवासी ने दिया जलाया, उनके लिए प्रे किया, इसीलिए वो जीता है। हेलो, जी जी सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ, और मैंने तो उनकी खेल नहीं देखी, तो भी तो उनको ये लोग बताया है कि आप वो अच्छा खेला है, थैंक यू। टिकेन जी आपकी बात हो पाई है लवलीना से मैच से पहले? हाँ हाँ, सुबह में बात किया था, वो आशीर्वाद लिया। और अभी मैच के बाद जब जीत दर्ज हो गई, उसके बाद कोई बातचीत, कोई मैसेज? नहीं 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 नहीं, अभी तक हुआ नहीं, वो अभी स्टेज पे है, वो खेल की मैदान पे है। तो आगे का मुकाबला उस पर नजर रहेगी आपकी टिकेन जी? हाँ हाँ, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच गई है आपकी बेटी। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब तैयारी कर रही थी तब किस तरह का सफर रहा लवलीना का, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लवलीना के पिता टिकेन जी बता रहे थे कि गौरवपूर्ण लम्हा है ये, क्योंकि दूसरा पदक भारत के लिए पक्का हो चुका है। लवलीना ने भारत को दूसरा पदक दिला दिया है, क्योंकि अब वो सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। अगर सेमीफाइनल में वो जीतती हैं तो वो फाइनल में पहुंच जाएंगी, और तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के नाम स्वर्ण पदक तक आ सकता है। लेकिन इस बीच पदक तो पक्का है, सेमीफाइनल में लवलीना पहुंच चुकी हैं, चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर उन्होंने महिला 69 किलो क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल कर ली। आज तक बांग्ला, जानुन सब खबर सवार आगे। सब्सक्राइब करुन आज तक बांगला, बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना।